और कहानियों का एक अलग ही नाता है। ये कहानियां ही तो हैं जो जिंदगी की छोटी से बड़े ही सहज और सरल तरीके से दे जाती है और इसी सीख पे निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्य का होना कितना जरूरी है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। बंदर और जिराफ की कहानी। एक समय की बात, एक घने जंगल में एक चंचल बंदर और एक लंबा जिराफ रहते थे। बंदर का नाम मोंटू था और जिराफ का नाम गिन्नू। मोंटू अपनी फुर्ती और चलाकी के लिए जाना जाता था, जबकि गिन्नू अपनी लंबी गर्दन और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जंगल में बहुत सारे फल लगे हुए थे, लेकिन वे इतने ऊंचे पेड़ों पर थे कि बंदर मोंटू वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। मोंटू ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो गया। उसने सोचा, अगर मैं गिन्नू की मदद लेता तो शायद हम दोनों मिलकर इन फलों को पा सकते हैं। मोंटू दौड़ता हुआ गिन्नू के पास गया और कहा, गिन्नू भाई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऊंचे पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? गिन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, मोंटू, दोस्ती में मदद करना हमारा कर्तव्य है। चलो, हम दोनों मिलकर फलों को पाते हैं। दोनों दोस्त मिलकर फलों की तरफ पड़े। गिन्नू ने अपनी लंबी गर्दन की मदद से ऊंचे पेड़ों से फल तोड़े और उन्हें नीचे गिरा दिए। मोंटू ने फुर्ती से उन फलों को इकट्ठा किया। इस तरह दोनों ने मिलकर बहुत सारे फल इकट्ठे किए और जंगल के सभी जानवरों के साथ उन्हें बांटा। जंगल के जानवरों ने मोंटू और गिन्नू की एकता और संयोग की तारीफ की और कहा, आप दोनों ने हमें सिखाया कि एकता में ताकत होती है। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। मोंटू और गिन्नू ने भी इस बात को समझा और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और मिलकर काम करेंगे। सीख: एकता और सहयोग में बड़ी ताकत होती है। मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किलों पे हल हो सकती है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।